हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ये सिंपल सी एग की करी। ना ही इसमें कोई मैजिक मसाला है और ना ही कोई डिफरेंट स्टाइल, पर बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे तरीके से बनने वाली रेसिपी है। उसके लिए मैंने लिया है ये एग, 4 एग लिया है मैंने। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, और ये 2 प्याज है, और ये मैंने लिया है 2 टमाटर। और अब हम इस मसालों को भिंगा लेते हैं। मैंने 1 चम्मच लिया है धनिया पाउडर, ये 1/2 चम्मच है हल्दी का पाउडर, और ये 1 चम्मच है लाल मिर्च का पाउडर, और ये 1/2 चम्मच से भी कम है गरम मसाला। अब मैं डाल रही हूँ ये चिकन मसाला, एवरेस्ट का चिकन मसाला है। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आता है। अब इसे हम पानी में डाल के थोड़ा सा घोल लेते हैं। ये हमारे बॉयल्ड हुए एग को हम थोड़ा थोड़ा कट कर लेते हैं ताकि ये छिटके ना, क्या तेल पे डालने पर ये छिटकते हैं अगर ऐसे डाल दो तो, इसलिए थोड़ा सा कट कर लीजिएगा। और अब हम कलर चेंज करने के लिए थोड़ा सा हल्दी को ऐड कर लेते हैं। अब ये हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है। अब एक एक करके धीरे धीरे एग बहुत ही सावधानी से आप फ्राई करें। अब इसे हम ब्राउन फ्राई होने तक फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमारे एग अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए मैं नए नए रेसिपीज लाती रहूँगी, ट्राई करती रहूँगी। देखिए हमारे एग फ्राई हो चुके हैं, अब तेल भी गर्म हो चुका है। अब हम 1 चम्मच डालेंगे इस पर जीरा, ये कुछ अब डालेंगे इसमें 3 पत्ते, और ये है दालचीनी, और ये 1 बड़ी इलायची डाल दिया है मैंने, और ये है 2 से 3 काली मिर्च। अब डालेंगे हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे थोड़ा सा भूनने, कच्चापन जाने तक इसे भून लीजिए करीब 1 मिनट तक। अब हम डालेंगे ये 2 प्याज है, इसका प्यूरी बना के रख लिया था, इसे भी हल्का ब्राउन होने तक पका लीजिएगा। इसे क्या धीमी आंच पर पकाएं प्याज को। अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं, और इसे कुछ देर भूनने देते हैं प्याज को। कम आंच पर ही भूने, आप जितना अच्छा प्याज भूनता है टेस्ट उतनी ही अच्छी आती है सब्ज़ी की। अब हम ये मसाले डाल देते हैं ये घुले हुए। मैं अधिकतर क्या मसाले जो है घोल के ही डालती हूँ, कलर के मसाले अच्छी तरह से भीग जाते हैं और कलर बहुत ही अच्छा आता है। और अब ये थोड़ा सा मसाले को भूनने देते हैं 3 से 4 मिनट। ये मसाले भून चुके हैं, अब हम डालेंगे ये टमाटर। मैंने 2 टमाटर लिया था, उसका प्यूरी बना के आप डाल दीजिएगा। अब इसे हम 6 से 7 मिनट तक भूनने दें धीमी आंच पर। मसाले जितने अच्छे धीमी आंच पर भूनते हैं मसाला, सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। इसलिए मसाले को आप बहुत ही अच्छे से भूने धीमी आंच पर। देखिए हमारे मसाले जो है अब थोड़ा भून चुके हैं, और इस पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से और भून जाए। देखिए हमारी ग्रेवी भी बनके तैयार हो चुकी है, थोड़ा सा ये उबल गया है। अब इस पर हम डाल देते हैं ये एग, और इसे भी हम 6 से 7 मिनट तक पकने देते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली सब्ज़ी, इसमें ना ही कोई मैजिक मसाला है, ना ही कोई डिफरेंट स्टाइल है, ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली सब्ज़ी है, आप भी जरूर ट्राई करें। और देखिए 6 से 7 मिनट हो चुका है, अभी हमारी सब्ज़ी को ओपन करके देख रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से पक गए हैं, हमारे एग करी बनके तैयार हो चुका है, आप भी ज़रूर ट्राई करें रोटी के साथ, पराठे के साथ और राइस के साथ। और वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें, और जो भी मेरे चैनल पर हैं वो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू माय ऑल फ्रेंड्स।